कई लोग अलग अलग भ्रांतियां फैलाते हैं। अब कई दिनों ये कह दिया भाई रामगंज में सैंपल लेना ही कम कर दिया है या प्रदेश में सैंपल लेना कम कर दिया है। आप बताइए अब तक राजस्थान ने 87,777 सैंपल्स लिए जो हाईएस्ट है पूरे कंट्री के अंदर, और मेरे पास डाटा है कोई दिन ऐसा नहीं है जब 3,500 से लेके 5,000 तक के हम सैंपल नहीं ले रहे हो। ये पूरा इसका डाटा संधारित करके भारत सरकार को रेगुलर बेसिस पर हम भेजते हैं। उनको भी मालूम है कि यहाँ पे टेस्टिंग बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, सैंपल कलेक्शन का काम, और इसीलिए हमारा जो ग्राफ है डबल होने का, कई राज्यों की स्थिति तो बहुत खराब है, राजस्थान में 12 दिन में पॉजिटिव केसेस की संख्या डबल हो रही है। उसका रीजन ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा सैंपल ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। रहा सवाल रामगंज का, तो वहां पे तो हमने, क्योंकि थिकली पॉपुलेटेड इलाका है, वॉल सिटी का एरिया है, कंजेस्टेड गलियां हैं, एक एक हवेली में बहुत बहुत परिवार रहते हैं और एक परिवार में भी बहुत सदस्य है, ऐसी परिस्थिति में उनका जनगणना आधारित मैपिंग करा के 30 क्लस्टर में उसको बांटा और हर क्लस्टर से पर डे 21 सैंपल ले रहे हैं। इस तरह से 630 सैंपल अकेले रामगंज से हर रोज ले रहे हैं, पिछले कई दिनों से ले रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई। इसीलिए तो हमारे पास पॉजिटिव केसेस की संख्या सामने आई है रामगंज की भी, और जयपुर में जो 700 से ऊपर केसेस पॉजिटिव आए उसका उसी का नतीजा है कि हमने वहां सैंपल्स ज्यादा लिए, टेस्ट ज्यादा किए हैं।